और जब आपका इंटरव्यू खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आफ्टर दैट यू विल स्टैंड अप, आपसे बोलेगा थैंक यू सो मच समीर, आई विल गेट बैक टू यू। मिशन अंग्रेजी बोल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बटन दबाएं, इस वीडियो को लाइक और अपने मोबाइल में सेव सभी कॉन्टेक्ट्स को शेयर करके अपने शुभचिंतकों को इंग्लिश सीखने के आसान और सही तरीके में मदद करें। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी मदद ले सकते हैं। और जब आपका इंटरव्यू खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आफ्टर दैट यू विल स्टैंड अप, आपसे बोलेगा थैंक यू सो मच समीर, आई विल गेट बैक टू यू। तो फिर आप क्या करेंगे, आप उठेंगे, फिर आपको क्या अपना हाथ देना है हैंडशेक के लिए, बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर वो आपको अपना हैंड देता है कि यस मींस कॉन्ग्रेचुलेशन या ओके वी विल मीट अगेन, तब तो आप अपना हैंडशेक करिए। लेकिन अगर वो आपको अपना हैंड नहीं देता है तो आपको बिल्कुल भी अपना हैंडशेक ऑफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सीनियर है वही ऑफर करेगा। मान लीजिए उसने आपको ऑफर किया, तो जब वो ऑफर करेगा तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपका हैंड जो है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, स्वेटिंग नहीं होनी चाहिए। बहुतों की आदत होती है, उनका प्रॉब्लम होता है कि उनकी स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ है तो आपकी जो पॉकेट में हैंकी रखा है प्लीज़ रख लीजिएगा, उस हैंकी से अपने हैंड को अच्छे से क्लीन पहले से ही कर लीजिएगा, और जैसे ही जब आप इंटरव्यू के लिए यानी जब हैंडशेक करेंगे तो आप आराम से हैंडशेक कर सकते हैं। आप हैंडशेक को करते कैसे हैं, नॉर्मली क्या होता है, ये दो हैंड्स आ रहे हैं आते तो एक्साइटमेंट के साथ है पर छूते हो गया, ऐसे हैंडशेक नहीं करना। जब भी हैंडशेक करेंगे प्रॉपर तरीके से ग्रिप में उसको पकड़ना है, 2-3 times उसको हैंडशेक करें, नहीं कि शेक करना है एंड देन इट इज ओवर, लेकिन फर्मनेस के साथ, मींस कि लगे कि आप हैंडशेक कर, लेकिन लगे का मतलब ये कि सदने कहा था कि ऐसा नहीं करना, प्लीज यू हैव टू डू द हैंडशेक 2-3 times एंड इट इज ओवर। उसके हैंडशेक करने के बाद देन यू विल गो, और जब भी आप जाएंगे थैंक यू आपको सिर्फ एक बार या ज्यादा से ज्यादा 2 बार, इससे ज्यादा थैंक यू नहीं बोला, तो आप क्या बोलेंगे थैंक यू सो मच सर। उसके बाद फिर आप जो है चेयर धीरे से, वो है नहीं जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था वैसा नहीं, आराम से चेयर रखना है और उसके बाद आपको इसको अरेंज करना है, जाने से पहले अरेंज करिए एंड देन यू कैन गो आउट। और जब भी आप जाएंगे तो कैसी स्माइल देनी है, ऐसे बिल्कुल नहीं देनी है, ऐसे भी नहीं देना, नहीं तो इंटरव्यूअर लव में पड़ जाएगा आपके साथ, ऐसे भी नहीं देना। You have to give smile like this, एक अच्छी सी cute smile, smile इतनी जबरदस्त इतनी powerful हो कि वो आपका नाम भूल जाए, आपके interview भूल जाए, लेकिन उसको आपकी smile याद रहे, smile कितनी अच्छी थी, that smile should be recorded, वो smile इतनी cute, इतना genuine होनी चाहिए, इतना heart touching होनी चाहिए कि वो आपकी smile को याद रखे। So please learn this, it is very very important, अच्छी से smile देनी है और उसके बाद आपको door से जो है यानी cabin से बाहर जाना है। जब आप बाहर जाएंगे और बाहर जाने के बाद फिर आप रिसेप्शन पे पहुंचेंगे, तो रिसेप्शन पे आपको क्या करना है, एक नोट लिखना है। अगर आप रिसेप्शन से A4 पेपर लेके आधा पेज फाड़ सकते हैं तो वेरी गुड, वहाँ रिसेप्शन पे अवेलेबल नहीं होता तो आप अपने घर से A4 पेपर ला सकते हैं, उसको टेयर करिए, हाफ पेज बनाइए और उसमें ऊपर लिखिए। अगर आपका इंटरव्यू किसी मैम ने दिया तो आप लिखेंगे डियर मैम, सर ने दिया तो डियर सर, फिर नीचे लिखेंगे आई No, it was a wonderful meeting with you. I enjoyed a lot. Thank you for giving your precious time. I look forward to meeting you again for further discussion or maybe something else. उसके बाद आप नीचे लिखेंगे thanking you, अपना नाम लिखेंगे, email ID लिखेंगे, अपना number लिखेंगे और टॉप पर वहाँ पे क्या लिखेंगे writing side में date. ये एक application नहीं है, it is a note. ये आपका last ब्रह्मास्त्र है, यानी कि लास्ट जो आप यूज करें, हो सकता है कि उसे लगे यार ये तो बड़ा जो है बहुत एग्रेसिव टाइप का एक कैंडिडेट है, मेबी ज्यादातर लोग ये करते ही नहीं, आपको शायद ये पता ही नहीं होगा, आई थिंक आपको पहली बार पता, मुझे पता आप ये लिखेंगे भी नहीं क्योंकि इसमें भेजा चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, वो ज्यादातर लोगों में होता नहीं है, लेकिन ऐसा आप लिखेंगे सो इट विल गिव यू गुड रिजल्ट, आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। मान लीजिए अगर सोच रहा हूँ अरे समीर को लूं कि मैं सूरज को लूं, समीर की सूरज पता लगा समीर ने दे दिया एप्लीकेशन तो पता लगा ओके समीर को ले लो, मीन्स आपको नहीं पता कि कौन सी चीज कहाँ पे क्लिक कर जाए। जैसे क्रिकेट में होता है आपने देखा होगा, पता नहीं कौन सिंगल रन जो है वो आपको जिता दे, नोबडी नोस, कौन सी बॉल यू विल बिकम विनर, यू कैन ब्रेक द रिकॉर्ड, द सेम मैनर कौन सी चीज कहाँ पे काम कर जाए, यू आर नेवर अवेयर। आपको कोई भी ऐसा स्टोन अनटर्न नहीं करना है, सबको टर्न करते रहिए, जो भी अगर पॉसिबिलिटी है कीप स्पीकिंग एंड कीप टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ मोर एंड मोर, अपने बारे में खूब बात करिए। और नोट देने के बाद विद इन 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर, 2 दिन के अंदर आपको कॉल करके पता करना है। जैसे आपका वेनेसडे को था इंटरव्यू, तो वेनेसडे के बाद आप कॉल कब करेंगे, आप फ्राइडे को, तो फ्राइडे को कॉल करिए और पूछिए सर व्हाट हैपेंड अबाउट माय इंटरव्यू,
डू आई हैव टू कम अगेन फॉर सेकंड इंटरव्यू और व्हेन डू आई हैव टू जॉइन, मतलब इतना श्योरिटी दिखाई कि लगता है कि आपका सिलेक्शन हो गया है. फॉलो अप करिए, पता करिए, क्योंकि ये सब शो करता है कि आप बहुत असर्टिव हैं अपने अप्रोच में. सो ऑलवेज ट्राई. मिशन अंग्रेजी बोल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बटन दबाएं, इस वीडियो को लाइक और अपने मोबाइल में सेव सभी कॉन्टेक्ट्स को शेयर करके अपने शुभ चिंतकों को इंग्लिश सीखने के आसान और सही तरीके में मदद करें. आप फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी मदद ले सकते हैं.